आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये टेस्टी सी दिखने वाली ब्रेड सैंडविच की रेसिपी। बच्चों के स्कूल में चल रहा है हेल्दी वीक्स डे, तो इसके अकॉर्डिंग आज सैंडविच देनी थी, तो आज मैंने हेल्दी सैंडविच बनाई है उनके लंच बॉक्स के लिए। चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज की हेल्दी लंच बॉक्स रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम मूंग दाल का यूज कर रहे हैं, तो इस दाल को मैंने पहले से ही आधे घंटे पहले भिगो के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो दाल को पीसने के लिए यहाँ पे मैं छोटे वाले जार का यूज कर रही हूँ। सारी दाल को मैं एक बार में ही पीस लूंगी, तो इसलिए मैं सारी दाल को इस जार के अंदर डाल देती हूँ। दाल को पीसते समय मैं बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं कर रही हूँ, हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका, तो इसलिए मैं इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इसी के साथ डालूंगी मैं थोड़े से पत्ते पुदीना के, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है। और आप इस स्टेप पर ना हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं ये स्टेप स्किप करूंगी। ये देखिए हमें कुछ इस तरह का पेस्ट यूज करना है, मैं 1 मिनट आपको चम्मच से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा दरदरा रखा है इसको। उसके बाद हमें करना क्या होगा कि इस तरह का एक बाउल लेंगे और उसमें इस पेस्ट को पूरे को इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। क्योंकि मैं ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ, तो इसके स्पाइसेस थोड़े से कम ही रहेंगे, और बाकी आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डालूंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। सभी चीजों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को बनाते समय हमने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है, तो हमें पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल भी ऐड ना करें पानी। फटाफट से ये पेस्ट बनके तैयार हो जाता है, कोई झंझट नहीं है। बस हमें दाल को थोड़ी देर के लिए भिगोना है और उसे पीसने के बाद अपने पसंद के मसाले ऐड करने हैं, और ये पेस्ट बन जाता है फटाफट से। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। हम चलते हैं मेन प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इस पे थोड़ा सा घी लगाया है। उसके बाद ये पेस्ट डालेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे मैं इस सैंडविच को बनाने के लिए घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर या फिर ऑयल में भी बना सकते हैं। तो हमें इस बैटर को इस तरह से फैलाना है कि बाद में ब्रेड के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए, तो मैं इसे शेप देते हुए इस तरह से इसे फैला लूंगी। तो इसको एक साइड से सिकने में 1 से 2 मिनट लगता है, तो आराम से इसे बढ़िया तरीके से एक साइड से सेके, फिर इसे फ्लिप करने के बाद फिर से थोड़ा सा घी लगाना है और इसे एक साइड से सिकने देना है। उसके बाद दोनों साइड से बढ़िया तरीके से घी में जब सिक जाए, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको सेकते समय ना ज़्यादा सा कलर चेंज नहीं होता, तो ये बिल्कुल इसी तरह से दिखता है। तो इसका हल्का हल्का दोनों साइड से सेकने के बाद इसे फिर निकालना है। तो इसको पलटते समय बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे से कि आराम से आप इसे पलटें, नहीं तो ये बीच में से टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये बनके अच्छे से तैयार है, यहाँ देख सकते हैं। तो पहले मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घी डाला है, उसे ब्रेड को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे घी में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि घी खाना आप अगर इतना पसंद नहीं करते हैं तो आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को अच्छे से सबसे पहले सेका है, उसके ऊपर लगाया है टमाटो केचप, और मैंने रखी है इसके ऊपर 1 स्लाइस चीज की। उसे हल्का सा मेल्ट होने के लिए मैंने इसे ढक दिया था। उसके ऊपर मैंने लगाई है अपनी जो हमने मूंग दाल की ब्रेड बनाई थी ना, इसको अच्छे से इस पे सेट कर देंगे, और उसके बाद ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे फिर से सेक लेंगे। यहाँ पे हमारी मूंग दाल से बनी हुई ब्रेड सैंडविच बनके एकदम तैयार है। यहाँ आपने देखा ना कितना इजी है मूंग दाल की सैंडविच बनाना। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसे लंच में या फिर ब्रंच में भी बना के खा सकते हैं, और इसका चीज वाला स्टेप स्किप कर दें। ये सैंडविच टेस्टी है, हेल्दी है, और अगर आपने ये बच्चों को बना के दी ना तो बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। मतलब मेरे बच्चों को तो ये सैंडविच बहुत पसंद आई थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हेल्दी रेसिपी एंजॉय करें आप अपने बच्चों के साथ। थैंक यू।